हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, अगर आप क्लास 12 में हैं और बोर्ड एग्जाम में आपको भी केमिस्ट्री का पेपर देना है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन को देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में जो रिएक्शन होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और पूरा केमिस्ट्री ही रिएक्शनों से बना है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए क्या है हमारा इस वीडियो का टॉपिक। देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12। देखिए सबसे पहले हम पहला टॉपिक देखेंगे क्या होता है जब के तीन महत्वपूर्ण रिएक्शन, यानी कि तीन महत्वपूर्ण अभिक्रिया। उसके बाद में दूसरा हम देखेंगे कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक के दो महत्वपूर्ण अभिक्रियाएँ। जैसा कि आपको पता है कि ये आप क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो बनाए हैं, लगभग 10 वीडियो से अधिक वीडियो मैंने रिएक्शन पर बनाया है। सभी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहे वो क्या होता है जब हो चाहे कैसे प्राप्त करोगे, दोनों को मैंने बताया है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला रिएक्शन आपका यहाँ पर देखिए क्या है। सबसे पहला रिएक्शन हमारा आएगा फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया एक्सियन से होती है, यानी कि क्या होता है जब का पहले हम रिएक्शन करेंगे। तो पहला रिएक्शन है क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया एक्सियन से होती है। यहां पर फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है, और HCN क्या है बच्चों, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो देखिए HCHO की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ होगी HCN के साथ तो क्या होगा, सोचिए। सोचिए नहीं, यहाँ पर लिखेंगे हम, आप समझिए। ठीक है, क्या होगा बच्चों, CH2OH ब्रेकेट में, ठीक है, और CN बनेगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बन गया, कैसे बैलेंस करें। देखिए CH2OHCN, इसका नाम होगा बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, इसका नाम है। अब कैसे ये बना, किस प्रकार से बैलेंस हुआ रिएक्शन, देखिए HCHO यानी कि कार्बन कितने हैं, एक कार्बन दो कार्बन, इधर देखिए एक कार्बन दो कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है, एक दो तीन, यहां पर देखिए दो एक तीन। ठीक है, नाइट्रोजन कितना है स्टूडेंट, सिर्फ एक, यहां पर भी सिर्फ एक ही है। ऑक्सीजन सिर्फ एक, सिर्फ एक, यानी कि ये एक बैलेंस रिएक्शन है। इसका नाम भी आप लिख सकते हैं, इसका नाम है बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड HCHO का, इसका नाम है हाइड्रोजन साइनाइड। तो लिख देते हैं यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा बच्चों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलिएगा। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और भी आप रिएक्शन को देखिए ताकि आप आए जब बोर्ड एग्जाम देकर तो आपका उसमें से एक ना एक रिएक्शन आ जाए। ठीक है, अब देखिए बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड आगे देखिए साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन आपका बना। तो क्या होता है जब फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया HCN से कराई जाती है तो फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपना देखते हैं स्टूडेंट, जो कि हमें यहाँ पर सीखना है, ये है बच्चों की क्या होता है जब एसिटल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है। यानी कि आपसे सिंपली पूछा जा रहा है बच्चों कि क्या होगा, ठीक है, जब एसिटल क्लोराइड निर्जल AlCl3 से अभिक्रिया करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे एसिटल क्लोराइड क्या है, क्या कैसे है, ये सब मत सोचिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों बेंजीन जब एसिटल क्लोराइड निर्जल AlCl3 से अभिक्रिया की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है, तो देखिए स्टूडेंट सबसे पहले बेंजीन से अभिक्रिया करेगा जब, तो बेंजीन का हमें फार्मूला पता होना चाहिए। ये देखिए, सॉरी ये थोड़ा सा गलत बन गया, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपका इसको रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से आपका बनेगा बेंजीन, मैंने कई बार आपको बताया है। ठीक है, ये है बेंजीन, रिएक्शन यहाँ से चालू होती है। देखिए जब एसिटल क्लोराइड निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से अभिक्रिया करता है तो बेंजीन से कौन अभिक्रिया करेगा, सीधा सीधा लिखा है एसिटल क्लोराइड CH3COCl, ये फार्मूला स्टूडेंट एसिटल क्लोराइड का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप गिब्स आउट यहाँ पर लगाइए, अभी मैं नाम भी लिखूंगा उसका, आप लोग टेंशन मत कीजिएगा। आगे देखिए बनेगा क्या, कुछ इस प्रकार की एक बेंजीन रिंग आपको बनानी होगी इस प्रकार से, और COCH3 यहाँ पर बनेगा और प्लस HCl बनेगा। यानी कि अब हम कह सकते हैं, नाम इसका लिखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम अभी बैलेंस भी रिएक्शन करेंगे। ये है बच्चों बेंजीन, ये है आपका एसिटल क्लोराइड, एसिटल
क्लोराइड, ठीक है। और इनका नाम है स्टूडेंट, जो हमें बनाना था, जिस जो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ है वो है एसीटोफिनोन। ये हमें प्राप्त हुआ है जो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो देखिए, अब हम कह सकते हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड से AlCl3, यहां पर आपको लिखना होगा ऊपर निर्जल AlCl3, तो अब आप कह सकते हैं कि जब बेंजीन की अभिक्रिया एसिटाइल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कराई जाती है तो एसिटोफिनॉन बनता है और HCl बाहर निकलता है। समझ में आया? एक सिंपल सा ये रिएक्शन है। देखिए, ये एक बेंजीन है CH3COCl। देखिए, अब हमने एक बेंजीन तो ऐसे ही बनाई है। अब हमने यहां पर क्या किया स्टूडेंट, CO को ले लिया, CO को ले लिया, CH3 को ले लिया, CH3 को ले लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? CO CH3 को हमने यहां से निकाल दिया, CO CH3। अब बचा क्या? Cl। तो जब बच्चों हमने यहां पर CO CH3 जोड़ा तो यहां से एक H विस्थापित हो गया, तो यहां पर H और Cl, ये HCl बच गया, ठीक है। ये एक बैलेंस रिएक्शन है। मैंने आपको बताया किस प्रकार से मैंने बैलेंस किया है। जब यहां पर CO CH3 आएगा तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, वही हमने Cl में जोड़ दिया, बन गया। ये था हमारा स्टूडेंट दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब हम देखेंगे अपना क्या होता है जब का तीसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या है। तो देखिए क्या है स्टूडेंट, क्या होता है जब मेथेनल की अभिक्रिया अमोनिया से होती है, यानी कि जब मेथेनल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाएगी तो क्या बनेगा। तो मेथेनल का फार्मूला बताइए, CH3OH, ठीक है, यानी कि CH3OH आपका क्या होगा, मेथेनॉल। ये मेथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से हो रही है तो सबसे पहले आपको लिखना होगा मेथेनॉल का फार्मूला, CH3OH होता है मेथेनॉल का फार्मूला, ठीक है। और प्लस आपको अभिक्रिया किससे करानी है, NH3 से। तो अब इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि क्या होगा बच्चों जब हम मेथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से कराएंगे, अब आपको यही बताना है कि क्या बनेगा, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है, CH3NH2 बनेगा, ठीक है, CH3NH2 बनेगा, ठीक है। यहां पर 3 H है लेकिन 2 H हमने निकाला है तो यहां पर बन गया। अब देखिए 1 H यहां पर बच रहा है, 1 H ये, यानी कि 3 में से हमने 2 निकाल दिया, यहां पर 1 H बचा और 1 H ये H2 और वो, यानी कि सिंपली आपका बचा स्टूडेंट लास्ट में H2O। तो इस प्रकार से आप अभिक्रिया करा सकते हैं कि जब मेथेनॉल की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाएगी तो मेथिल एमीन बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं मेथेनॉल, मेथेनॉल। इनका नाम है बच्चों अमोनिया, अमोनिया। इसका नाम है स्टूडेंट मेथिल एमीन, मेथिल एमीन। और लास्ट वाले का नाम तो आपको पता होगा, जल है, सभी को पता है, ठीक है, जल ही जीवन है। तो ये स्टूडेंट 3 इंपॉर्टेंट क्या होता है जब क्या रिएक्शन है। अब हम देखेंगे अपने कैसे प्राप्त करोगे कि 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, तो चलिए उसे भी सीखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो चौथा रिएक्शन है वो होगा कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक से, यानी कि आप एथिलीन से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करोगे। आगे आपको दिया रहेगा स्टूडेंट अभिकारक का नाम, रिएक्टेंट का पीछे उत्पाद का नाम, आपको एथिलीन से एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो एथिलीन का फार्मूला होता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि C2H4 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है स्टूडेंट, जल से। जब आप जल से इसकी अभिक्रिया करा देंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा एथिल अल्कोहल, अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। अब इसकी अभिक्रिया हमने इससे कराई, ऊपर आपको लेना है H2SO4 जो कि है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो देखिए एथिलीन से आपको एथिल अल्कोहल प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करोगे टॉपिक है। तो देखिए एथिलीन की हमने अभिक्रिया करा दी जल से, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में हमने कराई, तो हमारा बन जाएगा स्टूडेंट CH3, ठीक है, CH2OH। समझिए यहां पर देखिए CH3 कितने कार्बन है, देखिए दोनों साइड बराबर है या नहीं है, इसको समझिए, कार्बन 2, कार्बन 1 और 1 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने, 2 2 4 2 6, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, ऑक्सीजन कितने, 1 1, यानी कि ये एक सिंपल बैलेंस रिएक्शन है। तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, इसका नाम है एथिलीन, इसकी अभिक्रिया हमने करा दी स्टूडेंट जल से, जिसको सभी लोग जानते होंगे, बना क्या हमारा एथिल अल्कोहल। तो ये है आपका एक सिंपल सा रिएक्शन, इसके भी मैंने कई रिएक्शन कराए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जाइए देख सकते हैं हमारे डायरेक्ट चैनल के प्लेलिस्ट में। अब आता है आपका पांचवा, देखिए ये समझ में आया, जब एथिलीन की हम जल से अभिक्रिया करा देंगे तो हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा H2SO4 की उपस्थिति में। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप लोग समझ गए होंगे। छठवां पांचवा हमारा रिएक्शन आता है, लास्ट रिएक्शन है कि बेंजोइक एसिड से हमें एनिलीन प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे। 2 रिएक्शन मैंने आपको कहा था कि बताऊंगा, तो दूसरा रिएक्शन ये है कैसे
प्राप्त करोगे टॉपिक का, ठीक है। तो अब आता है बात स्टूडेंट की बेंजोइक एसिड से हम एनिलीन कैसे प्राप्त करें। तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH, इसका नाम है बेंजोइक अम्ल, ठीक है। अब आपको सिंपल प्रोसेस में इसको काम को करना होगा, ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें करानी होगी, ऊपर NH3 की उपस्थिति में इसे गर्म करना होगा, समझ में आ रहा है। अब बनेगा आपका स्टूडेंट C6H5CONH2, ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी भी अभिक्रिया हमें करानी होगी किसके साथ, Br2 यानी कि ब्रोमीन Br2 और KOH की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया हमें करानी होगी। तो जब आप ऐसे अभिक्रिया कराएंगे तो आपका C6H5NH2 बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको कुछ प्रोसेस करना है। देखिए बेंजोइक एसिड से आप एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे, इसका नाम है बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो जब आप बेंजोइक एसिड, इसका नाम लिख देते हैं बेंजोइक एसिड, तो जब आप स्टूडेंट बेंजोइक एसिड की अभिक्रिया को NH3 की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो आपका C6H5CONH2 बनेगा, ठीक है। और जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे Br2KOH की उपस्थिति में तो आपका बन जाएगा C6H5NH2, जिसका नाम है स्टूडेंट एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। अब आप इस प्रकार से भी एनिलीन बना सकते हैं, जिस प्रकार से बेंजीन लिंक के ऊपर NH2, ये भी आपका एनिलीन ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप इन रिएक्शंस को आसानी से कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने और जो रिएक्शन मैंने बताया उनको नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि इन सभी में से कोई रिएक्शन आपका पूछा जा सकता है और आप अच्छे मार्क बोर्ड एग्जाम में ला सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आए उसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अच्छे से अच्छी तैयारी कर सके कम से कम दिनों में। स्टूडेंट आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।